भगिनियों को बहुत बहुत धन्यवाद। एक दुखद घटना पे आज मुझे प्रेस कॉन्फ्रेंस करना पड़ रहा है। भारतीय जनता पार्टी स्पष्ट रूप से मानती है कि जो दुखद घटनाएं होती है उसमें कभी भी राजनीतिक रोटी किसी को सेकना नहीं चाहिए, मगर आज हमें विवश होना पड़ा है ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए, क्योंकि कुछ मुहूर्त पहले हमने विपक्ष के राहुल गांधी जी के प्रेस कॉन्फ्रेंस को सुना और जो भ्रमजाल फैलाने की कोशिश राहुल गांधी कर रहे हैं, जो वो सदैव करते हैं, उस भ्रमजाल को तोड़ना हमारा कर्तव्य है, हमारा फर्ज है। मित्रों, लखीमपुर खेरी के विषय में 3 दिन से हम सब न्यूज के माध्यम से देख रहे हैं। लखीमपुर खीरी में जो कुछ भी हुआ है वो दुखद है। आई रिपीट, लखीमपुर खेरी में जो कुछ भी हुआ है वो दुखद है। हमने उसके पश्चात देखा है कि चाहे किसान संगठन हो चाहे प्रशासन, दोनों ने मिलकर बातचीत की, दोनों के बीच में समन्वय हुआ, दोनों ने बातचीत करके कुछ निष्कर्ष निकाले। किसान संगठन और प्रशासन के बीच बातचीत होने के बाद मुख्यतः जो निष्कर्ष था वह निष्कर्ष था एक निष्पक्ष जांच का, इम्पार्शियल प्रोब हो, एक जांच हो, एक कमिटी गठित की जाए। और दोनों ही पक्षों ने मिलकर के प्रेस कॉन्फ्रेंस भी किया और देश को संबोधित किया और कहा कि हिंसा आगे नहीं बढ़नी चाहिए और जांच होगी। जांच के प्रोसेस को हम देख रहे हैं, टीवी के माध्यम से आरंभ होना है। और मुझे लगता है कि हम सब की, चाहे हम राजनीतिक दल के, चाहे हम किसी संस्था के सदस्य क्यों ना हो, हमारा मुख्य कर्तव्य होता है कि जब एक निष्पक्ष जांच होना हो या निष्पक्ष जांच चल रही हो, उस समय हम गैर जिम्मेदाराना टिप्पणी, बयान या इस प्रकार के बयानबाजी ना करें जिससे पक्षपात होता हो, जिससे न्याय नहीं होता। आज दुख के साथ मुझे कहना पड़ रहा है कि राहुल गांधी जी ने पुनः वही किया जो राहुल गांधी हर बार करते हैं, गैर जिम्मेदाराना रवैया, इररेस्पॉन्सिबिलिटी। इररेस्पॉन्सिबिलिटी हैज बिकम द सेकेंड नेम ऑफ मिस्टर राहुल गांधी। गैर जिम्मेदाराना रवैया, अधैर्यपूर्ण रवैया, अशांति को भंग करना और भ्रम फैलाना, यही राहुल गांधी जी का मुख्य ध्येय और मुख्य उद्देश्य रह गया है। हिंसा ना फैले, शांति बनी रहे, यही भारतीय जनता पार्टी और मुझे लगता है जो लोग भी जिम्मेदार हैं यही उनका कर्तव्य है। हम अपना कर्तव्य निर्वाहन कर रहे हैं। किसी भी कीमत पे हम प्रोवोक ना करें, हम लोगों को भड़काएं ना, हिंसा ना फैले और देश में, उत्तर प्रदेश में, हर स्थान पे शांति बनी रहे। मगर किसी भी कीमत पे भड़काया जाए, हिंसा फैलाया जाए, भ्रमजाल बुना जाए, यह कोशिश कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी की रही है। आज हमने उनके प्रेस कॉन्फ्रेंस में सुना और देखा भी कि राहुल गांधी जी ने पोस्टमार्टम के ऊपर सवाल उठा दिए। आज मैं इस मंच से पूछना चाहता हूं, इज मिस्टर राहुल गांधी या मेडिकल एक्सपर्ट? वो फॉरेंसिक मेडिकल एक्सपर्ट है क्या राहुल गांधी? डिड ही कंडक्ट द पोस्टमार्टम? तो पोस्टमार्टम पे अगर किसी ने सवाल नहीं उठाए, किसी ने इस पर उंगली नहीं उठाई, तो हु इज मिस्टर राहुल गांधी टू क्वेश्चन द एक्सपर्ट बॉडीज ओपिनियन? एक एक्सपर्ट बॉडी है जिन्होंने इसी विषय पर अध्ययन किया हुआ है, पढ़े लिखे लोग हैं, वो डॉक्टर हैं, उन्होंने अपने कंक्लूजन को दिया है एक साइंटिफिक प्रोसेस के बाद। उस विषय पर भ्रम फैला देना और कहीं ना कहीं इस विषय पे एक अशांत वातावरण बन जाए, उसके लिए प्रयास करना, ये आज स्पष्ट रूप से राहुल गांधी जी के प्रेस कॉन्फ्रेंस से दिख रहा था। इसमें कोई दो मत नहीं है कि जहां तक राहुल गांधी और गांधी परिवार का सवाल है, इस परिवार का किसानों से, व्यापारियों से, हिंदुस्तान के अन्य वर्ग से कोई लेना देना नहीं है। गांधी परिवार का किसी से लेना देना है तो मैं तो कहूंगा कांग्रेस से भी लेना देना नहीं है। गांधी परिवार का केवल और केवल अपने परिवार से ही लेना देना है। अपनी परिवार की साख बची रहे, परिवार की नैया ना डूबे। अभी हमने देखा कांग्रेस की नैया की क्या परिस्थिति है, माफ करिएगा, कांग्रेस की नहीं, गांधी परिवार की नैया की क्या परिस्थिति है। खुद उनके लोग, उनके बड़े बड़े नेता कांग्रेस पार्टी के प्रथम परिवार के ऊपर आक्षेप लगा रहे हैं, राहुल गांधी जी के नेतृत्व के ऊपर
कि उनके पार्टी में प्रेसिडेंट नहीं है, इन विषयों को लेकर आक्षेप लगा रहे हैं, पीसी कर रहे हैं। इस विषय को लेकर अपनी आंख कैसे बचाया जाए, अपने परिवार की डूबती हुई नैया को कैसे तारा जाए, कहीं ना कहीं गांधी परिवार और राहुल गांधी को लगा कि यह एक अपॉर्चुनिटी है। लखीमपुर खेरी में जो हुआ उसको एक अपॉर्चुनिटी के रूप में देखना, उसको एक इस रूप में देखना कि उसके माध्यम से वो अपने परिवार के साख को बचा सके, ट्राइंग टू ड्राइव पॉलिटिकल माइलेज आउट ऑफ अ ट्रैजिक इंसिडेंट, ट्रैजिक सिचुएशन, इज व्हाट द गांधी फैमिली इज ट्राइंग टू डू। ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस आज राहुल गांधी जी ने किया है, ये एक ट्रैजिक सिचुएशन से किस प्रकार से पॉलिटिकल माइलेज लेकर अपने परिवार के साख को बचाया जाए उसकी कोशिश है। राहुल जी ने आज 4-5 बार अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में डेमोक्रेसी खत्म हो गई है हिंदुस्तान में और डिक्टेटरशिप है इस विषय में बताया। राहुल जी आपने तो प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, हर बार आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, आज आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, किसी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता ने टमाटर फेंके क्या? किसी ने टमाटर फेंका या कोई आपके घर के सामने जाके धरना प्रदर्शन करता है? कोई नहीं करता है। किसने किस पे टमाटर फेंके? जब कपिल सिब्बल जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया तो कांग्रेस के कार्यकर्ता राहुल गांधी जी के भड़काने पर उनके घर में जाके उनका कार तोड़ते हैं, उनकी खिड़कियां तोड़ देते हैं, उन पे टमाटर फेंकते हैं। ये डेमोक्रेसी है? इज दिस डेमोक्रेसी? राहुल गांधी जी, देश में डेमोक्रेसी मौजूद है तभी आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करके नरेंद्र मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी को अनर्गल सुनाते हैं, अनर्गल बातें करते हैं। आपका अधिकार है, करिए। आप गाली भी देते हैं प्रधानमंत्री को, इससे ज्यादा गाली किसी भी प्रधानमंत्री को पूरे विश्व में नहीं पड़ी। आप वो काम करते हैं, फिर भी हमने कभी आपत्ति नहीं जताई। आप कोर्ट में जाकर कान पकड़कर क्षमा भी मांगते हैं झूठ बोलने के लिए, फिर भी हमने आपत्ति नहीं जताई। मगर कपिल सिब्बल जी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस क्या कर दिया आपके विषय में और पूछ लिया कि कौन प्रेसिडेंट है पार्टी का, तो आप टमाटर फेंकते हैं। वो कहां की डेमोक्रेसी है, इस पर जवाब दीजिए। राहुल गांधी जी ने आज कहा भयंकर चोरी हो रही है देश में, भयंकर चोरी हो रही है, एमएसएमई से चोरी हो रही है, किसानों से चोरी हो रही है, बाकी सभी वर्गों से चोरी हो रही है, करप्शन हो रहा है। राहुल गांधी जी, एक अनसॉलिसिटेड एडवाइस है, जो पूरा का पूरा परिवार, मां बेटे दामाद, जो सारे लोग चोरी के इल्जाम पर सुप्रीम कोर्ट से बेल पे बाहर हो, वो चोरी चोरी दिन में 5 बार नहीं करना चाहिए। पूरा का पूरा परिवार साहब बेल पे बाहर है, मां भी बेल पे बाहर, बेटा भी बेल पे बाहर, दामाद जी भी बेल पे बाहर, और दिन में 4 बार चोरी चोरी बोलते हैं। दिन में 4 बार पीसी करके चोरी चोरी करने से अच्छा है अपने गिरेबान में झांक करके सोचिए कि किस प्रकार से लूटने का काम इस परिवार ने देश का किया है। अब लूटने को मिल नहीं रहा है तो पीसी कर करके भ्रम फैला रहे हैं। लैंड एक्विजिशन भी 4 बार आज राहुल गांधी ने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोला है कि लैंड एक्विजिशन। परसों से मैं टीवी चैनल ऑन कर रहा हूं तो मैं एक ही व्यक्ति को देख रहा हूं, रॉबर्ट वाड्रा। वाड्रा जी सुबह से शाम तक ज्ञान दे रहे हैं देश को कि लैंड एक्विजिशन क्या होता है, किसानों के पास कितनी जमीन होनी चाहिए, कितनी जमीन होने से किसान आगे बढ़ सकता है। ये रॉबर्ट जी अब ज्ञान देंगे किसानी के ऊपर? ये रॉबर्ट वाड्रा जिसके पास पूरे हिंदुस्तान के किसानों का सर्वाधिक लूट का जमीन है, अपनी बिल्डिंग खड़ी की हुई है इन जमीनों को लेकर, सुबह से शाम तक जिस टीवी चैनल पे ऑन करो उसमें रॉबर्ट वाड्रा जी बोल रहे हैं। ये कंपटीशन चल रहा है राहुल गांधी और रॉबर्ट वाड्रा में कि कांग्रेस किसका आधिपत्य के अंतर्गत आएगा, कौन कांग्रेस का अध्यक्ष बनेगा। 3 दिन बाद राहुल गांधी आए हैं, 3 दिन से रॉबर्ट वाड्रा निकले हुए थे और लैंड एक्विजिशन के बारे में आज राहुल गांधी बता रहे हैं। राहुल जी पहले फोन करके आप रॉबर्ट जी से पूछिए लैंड एक्विजिशन क्या होता है, पूरा वो बताएंगे। राहुल जी, एक सवाल आज भारतीय जनता पार्टी आपसे पूछ रही है, ये जो चयनात्मक राजनीति आप करते हैं, सिलेक्टिव राजनीति आप करते हैं, हमने टीवी के माध्यम से देखा हनुमानगढ़, ये तो राजस्थान में, हनुमानगढ़ में धान की खरीदी के लिए जो किसान प्रशासन के सामने गए थे, उन किसानों के ऊपर बर्बरता पूर्वक लाठीचार्ज करके, उनके सर को फोड़ करके, उनको हताहत करके, आज अस्पताल में वो किसान भर्ती है। एक भी फोन कॉल आपने गहलोत जी को किया है? एक भी फोन कॉल? ठीक है, आप अन्य राज्यों में जाना चाहते हैं, वो अलग विषय है, आप
कह रहे हैं कि आप लखीमपुर खेरी जाना चाहते हैं, इस विषय में उत्तर प्रदेश की सरकार ने अभी आदरणीय सिद्धार्थनाथ सिंह जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सारी तकनीकी डिटेल बताया है। मगर आप बताइए, आप हनुमानगढ़ में एक फोन करके जो वहां के किसान भर्ती है उनके विषय में चिंता किया क्या? ABP News आपको रखे आगे।